पार्टी में कौन सा कुर्ता पहनूं? ये वाला क्या कर रहा है रणवीर? अरे बाबा, वो मोटा बाबूजी मुझे पार्टी में भेज रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा कुर्ता पहनूं। अरे बेटा, तो वो कुर्ता कहाँ गया जो तूने गौरी बिटिया की शादी में पहना था? बाबा, वो कपड़े मेरे नहीं थे, मुझे भी वो कपड़े मिले थे तो मैंने किसी जरूरतमंद को दे दिए। उसके सिवा तो तेरे पास कोई ढंग का कुर्ता होगा नहीं। ये है ना चार कुर्ते? अरे ये तो पिछले 12 महीने से तू पहनता। कितनी बार कहा है कि अपने लिए एक ढंग का कुर्ता खरीदे। अरे मोटा बाबूजी बोनस तो मुझे भी देते हैं, लेकिन आगे जाके खुद का एक अपना घर हो, उसके लिए पैसे तो बचाने पड़ते हैं। वो सब छोड़े ना बाबा, या मुझे बता इसमें से क्या पहनूं? कोई भी पहन ले बेटा। अरे नहीं बाबा, मोटा बाबूजी मुझे इतनी बड़ी पार्टी में भेज रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक लगना पड़ेगा ना, वरना उन्हीं का नाम खराब हो जाएगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ये ब्लू वाला पहन लूं क्या? अरे नहीं, पिछली 3 दिवालियों से तो यही कुर्ता पहन रहा है, कोई और देख ले इसमें से। अरे बाबा, वहाँ पे इतनी अच्छी लाइटिंग होगी पार्टी में कि पता ही नहीं लगेगा कौन सा कलर है, यही वाला पहन लेता हूँ। अरे बेटा, 3 बार इस कुर्ते को सिल चुका हूँ, ये देख, फिर भी वो थोड़ा पड़ा है, ये देख। अरे कोई और पहन ले। लास्ट टाइम जब ये कुर्ता पहना था तो ईशानी को अच्छा लगा था, तो और कोई कैसे पहन लूं? नहीं बाबा, मैं यही पहनूंगा। ला, सिल देता हूं, लेकिन आखिरी बार, और इसके बाद अगर तूने अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदे तो फिर देख। थैंक यू बाबा। चलो, इसका तो पैकअप है। मालकिन, आप यहाँ? क्या काका, कितनी बार आपको कहा है मुझे मालकिन मत बोला कीजिए। आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, और वैसे भी अगर रणवीर पापा के लिए बेटे जैसा हो सकता है, तो मैं आपके लिए बेटी जैसी क्यों नहीं? अगर आपने मुझे दोबारा मालकिन बोला ना तो सॉरी, नहीं बोलूंगा। ये हुई ना बात। वैसे आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही। बस फिर से रणवीर का कुर्ता सिल रहे हैं। ये लड़का कितना कंजूस है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, फिर भी कभी अपने लिए कपड़े नहीं लेगा। भगवान जाने किसके लिए पैसे बचा रहे हैं। अरे जाने देना बेटा, बस अभी 2 मिनट में हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, वहाँ पापा ने उसको सर पे चढ़ा रखा है और यहाँ आपने अभी इस लड़के को सीधा कर दिया। हो गया शुरू इनका। अरे यार, ये कैसे अटक गया? ये हर पजामे में नाड़ा क्यों होता है? अगली सैलरी से ना मैं एक ऐसा पजामा खरीदूंगा जिसमें हुक हो, भले 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ना देने पड़े। रणवीर, कुर्ता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाना तो मुझे चाहिए। बात मेरी इज्जत की है तो चिल्लाऊंगा मैं ही ना। और तुम नॉक करके नहीं आ सकती थी? तुम्हारे कमरे में नॉक भी करके आना चाहिए और आंखों पे पट्टी भी बांध के आनी चाहिए। जाने क्या देखने को मिल जाए प्रतीक के कमरे में। और अब ओ हेलो, मैं प्रतीक की पैंट का बटन लगा रहा था। ओके, पहले नाड़ा तो बांधना सीख लो, बड़े बटन लगाने वाले। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? कुर्ता देने आई थी, लाई तो पापा के लिए थी, बट उन्होंने कहा है तुम्हें देना, पार्टी में यही पहन लेना। अच्छा ठीक है, मैं पहन लूंगा, जाओ तुम। जा रही हूँ। इसका क्या करूँ मैं? नाड़ा नहीं खुल रहा ना, मैं हेल्प करूँ हमेशा की तरह? दिखता नहीं है, लेस बांध रहा हूँ। लाओ, मैं बांध देती हूँ। नहीं, मैं खुद बांध लूंगा। अरे तुम्हें लेस बांधना तो आता नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी तो मैं खुद स्कूल में लेट होंगी। दो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ऐसे करते हैं, हो गया? हाँ प्लीज। क्या सुनाई नहीं दिया? प्लीज। खाना नहीं खाया क्या? प्लीज। अब बस पूरे घर को बताओगे कि तुमसे नारा नहीं खुल रहा। अच्छा एक काम करो, लेफ्ट वाले सिर को ऊपर खींचो, अब राइट वाले को ऊपर खींचो, अब पेट को अंदर खींचो और दोनों को आगे खींचो। खुल गया। जिंदगी में कोई भी गांठ हो ना, उसे कैसे खोलना है वो हम पे डिपेंड करता है। डायलॉग। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, नया कुर्ता कब खरीद रहे हो? और ये पैसे किसके लिए बचा रहे हो? शादी के लिए। कोई मिली क्या? नहीं। मिलेगी भी नहीं। क्यों? कौन तुम्हें सारी जिंदगी नारा बनवाना सिखाती रहेगी? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम जा सकते हो, जाओ जाओ। अच्छा सुनो, थैंक्स। क्यों? नाड़ा बनवाने के लिए। सर पानी। तुम्हारे बड़े साहब अभी आते होंगे, उन्हें पिलाना, प्यास उन्हें लगी होगी। दिस इज नॉट फेयर चिराग, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। बहाने मत बनाइए डैड, आप हार गए मतलब हार गए, लेकिन तुमने चीटिंग की थी। हाँ चीटिंग तो तुमने की है चिराग। अच्छा चलो ठीक है की, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, पर एंड में जीता कौन? लाइफ में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे जीतना वो इंपॉर्टेंट नहीं। डैड आपने मुझे क्या सिखाया था? एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस। ये भी ठीक है। अच्छा छोड़ सब, रात की पार्टी का मैंने पूरा अरेंजमेंट कर लिया, सब कुछ सेट है। दैट मींस आपने शहर के सारे लोगों को इनवाइट कर लिया होगा। भाई सारे तो नहीं, कुछ खास लोगों को बुलाया। डैड चीटिंग तो तूने की है, तो तुझे पनिशमेंट जरूर मिलेगा, और तेरा पनिशमेंट ये है तुझे उसे देखकर पसंद करना होगा और उसका दिल भी जीतना होगा। उसका दिल तो मैं कब का जीत चुका हूँ डैड। उससे मिला है? हाँ बस अभी, और देखते हुए मेरे दिल पे छा गई। इसका मतलब यह है कि तुझे लड़की पसंद है। पसंद, बहुत पसंद है डैड। घर का इतना ख्याल रखती है, तो सोचो मेरा कितना रखेगी। तू किसकी बात कर रहा है? लक्ष्मी की डैड। और किसकी? कम ऑन, तूने तो मुझे डरा ही दिया। देखो मैं दिशा की बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हर्षद की बेटी है, और बहुत ही खूबसूरत भी, और उसके साथ में उसके भाई बहन भी आ रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना तू। अच्छा कम ऑन डैड, ये पार्टी मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए रखी है, वी जस्ट वांट टू चिल। और आपने अपने फ्रेंड्स के बच्चों को, कौन है ये लोग? आई एम श्योर कोई स्टॉक ब्रोकर के बच्चे होंगे। चिराग देख तो, चलो ठीक है, अगर आपने उनको बुलाई दिया तो ना आने दो, बट प्लीज उन्हें बता देना कि ये चिराग की पार्टी है, पर यहाँ ढोकला और फाफड़ा नहीं मिलेगा। तो उनके सामने हमारे कल्चर के मजाक उड़ाएगा? रुक तुझे बताता हूँ मैं। हो जाए, कैच मी इफ यू कैन। अरे चिराग, चिराग रुक। नहीं नहीं ये नहीं, ये पहन के देख, ये जचेंगे तुझ पर। हुई ना बात। भाई आपको क्या हो गया है? आपने मुझे कपड़े क्यों पहना दिए? अरे दिक्का, आलिया भट्ट ने डिट्टो यही पहनी थी उसकी मूवी में, तो आलिया से कम है क्या? अब तुझे तो अमीरी और खूबसूरती विरासत में मिली है बेटा, और जो विरासत में मिले ना उसे दिल से खर्चना चाहिए। आज तेरी खूबसूरती सबसे अलग दिखनी चाहिए दिशा, अभी तो रिश्ता जमेगा। रिश्ता? किस बात का रिश्ता बा? अरे तेरी शादी का रिश्ता, और किस बात का। बहुत अच्छा लड़का चुना है मैंने तेरे लिए। शादी? ओ नो 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 बा, मेरी शादी क्यों? शादी आप पहले ईशानी की करवाइए ना, वो तो मुझसे बड़ी है। होगी बड़ी, इस घर की बेटी तू है, वो नहीं। लेकिन दिशा, मैं जो कह रही हूँ ना सुन, गौरी के बाद अब शादी का नंबर तेरा है। अबे मेरा दिख रहा, तेरी शादी ऐसी होगी कि गरबे का शोर काठियावाड़ तक जाएगा। बड़ा घर, बड़ा खानदान, यानी है छोकरो विलायती, बोस्टन से पढ़कर आया है। बोस्टन? हाँ वही, लाखों में एक वो, लाखों में एक वो, जोड़ी तुम दोनों की जमेगी। अनसोकरो कौन? चिराग मेहता। चिराग मेहता? वो जो केतन अंकल का बेटा है, जो बॉस्टन रिटर्न है, ओवा, जिसके पार्टी में हम आज जा रहे हैं। I can't believe this. जिस चिराग मेहता की पार्टी में जाने के लिए मैं इतना तरस रही थी, आज उसी चिराग मेहता से शादी की बात चल रही है मेरी। वाओ बाप, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आई मीन ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द टाउन। इसीलिए तो मैंने चुना है तेरे लिए। एक बात अपनी चोटी से बांध के रख दिशा, लड़की की उम्र जब शादी की होती है ना, तब न कोई बहन होती है, न कोई सगा, न कोई दोस्त, न कोई सहेली। तब उसे सिर्फ अपने बारे में ही सोचना होता है कि उसे सबसे अच्छा पति कैसे मिले। इसीलिए तो उस ईशानी का नाम मत ले। हाँ, तेरी बहन बहन बाद में, लेकिन शादी के मामले में वो तेरी कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर? वहाँ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन थोड़ी है जो आप मुझे इतना तैयार कर रहे हो। कॉम्पिटिशन ही तो है ईशानी। मेरा मतलब है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी सारी लड़कियां अच्छे से तैयार होके आएंगी, तो तुम्हें भी अच्छा दिखना होगा ना। ऐसा दिखना है तुझे कि चिराग की नजर सिवाय तेरे किसी पे न जाए। नजर नहीं हटा पाएगा चिराग तुझसे। तुम दोनों की जोड़ी ऐसी जमेगी ने कि लोग भी बोलते रह जाएंगे, मेड फॉर ईच अदर भाई, मेड फॉर ईच अदर। वाह, मेड फॉर ईच अदर। हाँ, मेड फॉर ईच अदर। ईशानी और चिराग की ही बनेगी, क्योंकि अगर चिराग की दौलत का कोई हिसाब नहीं है, तो मेरी बेटी की खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं है। लड़की का नाम दिशा है, याद रखना। उसका पापा हर्षद तारिक है, याद रखना। दलाल स्ट्रीट में हम लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, याद रखना। स्क्वॉश साथ में खेलते हैं, याद रखना। बालकेश्वर में उनका बंगलो है, याद रखना। और दिशा को तुम्हें पसंद करना है, याद रखना। रखूंगा डैड, लेकिन अगर लड़की पसंद आई तो क्या? मारो, देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरी बच्ची। नजर न लगे किसी को। तुम दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं भी तुम्हें नजर का काला टीका लगा देती हूँ। नजर के टीके में नजर का फर्क होता है। कान के पीछे जो टीका लगाता है ना, वो रक्षा करता है, और अगर मुंह पे लग जाए तो दाग बन जाता है। अरे आजो, तेरी माँ काल पर टीका लगा दिया। अच्छा हुआ मैंने देखा, नहीं तो दाग बन जाता ने। तुम दोनों को देर हो रही है, तुम लोग निकलो। बाय माँ, बाय बा, बाय। तुम जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ओके ओके। वाओ यार, ये कितना क्लासी घर है। अरे इसे घर नहीं बंगलो कहते हैं। ए बंगलो या घर वड़े यार, चलो ना। ईशानी किसका वेट कर रही है? चलना तुम लोग, चलो मैं आती हूँ। या लेट्स गो प्लीज। चल बिल्कुल मन नहीं करता ऐसी पार्टीज पे जाने का। पता नहीं मुझे क्यों भेज दिया। क्या बात है, मेरे लिए वेट कर रही थी? ओह आई सी, तुम्हें मेरे बगैर एंट्री नहीं मिलेगी ना। अरे ऐसा लग रहा है कि मुझे एंट्री नहीं मिलेगी तुम्हारे बगैर। जी आपका नाम? नाम रणबीर कपूर। रणबीर कपूर? क्यों, रणबीर कपूर दुनिया में सिर्फ एक ही है क्या? रणबीर, ईशानी एंड रणबीर फ्रॉम बैरिक हाउस। ओके सर, थैंक यू। ये वाला राइट। यस। क्या आपने चिराग मेहता को देखा है? व्हाट? अब चिराग मेहता, चिराग मेहता मुझे कहाँ मिलेंगे? चिराग मेहता एंड यू आर? आई एम दिशा, दिशा पारेख। मैं दिशा की बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हर्षद की बेटी है। Excuse me, क्या आपको पता है या नहीं? चिराग मेहता? हाँ of course, वो रहा। कौन सा? जिसने स्पेक्स लगा रखे हैं, सेंटर में जो डांस कर रहा है। ये चिराग? उसकी लुक से मत जाओ, दिखने में है थोड़ा चंपू टाइप बट है बड़ा रॉकस्टार। really? तुम क्या पहली बार मिल रहे हो? हाँ, वो मेरे डैड ने मुझे मिलने कहा था इसलिए। तुम्हारे डैड ने? मतलब कोई रिश्ते की बात है क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लो। ओह वाओ यार, दैट्स अमेजिंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वैसे तुम? हाँ, मैं चिराग का स्कूलमेट और दूर का कजिन। ओह दूर का कजिन। यस इट्स ओके। But you know, मेरे डैड और चिराग की तरह like best friends. That's why मेरे पापा चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए चिराग से. You see, we can make a good couple. और we can try. Anyways, in fact, मैंने उसके लिए accent भी सीख ली है. वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? Very nice, beautiful. बस दूर के रिश्तेदार हो ना, ज्यादा इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है. I'm only for चिराग. I know. काश मेरी भी किस्मत चिराग। बेस्ट लक नेक्स्ट टाइम। आपने मुझे बुलाया? जब तक भगवान तुझे नहीं बुलाते मैं ही बुलाऊंगी ना, और कौन बुलाएगा। हाँ बड़, वो चिराग मेहता की पार्टी में जाना है तुझे। पार्टी में? वाह, चिराग मेहता की पार्टी में जाके मैं क्या करूंगी? डिस्को में गरबा करेगी। क्या करूंगी? अरे जाके देख कि अपनी दिशा और वो चिराग जरूर मिले। वहाँ निशानी होगी ना, इससे पहले कि वो तितली बनके चिराग पर मंडरा है। तो इतना करते कि दिशा और चिराग की जोड़ी जम जाए बस। हमजे ना? हाँ, हमजे ना बा? तो इधर ही खड़े रहने का है ठोया की तरह ऐसा जाने। हाँ बा। ये रिश्ता तो मैं करवा के ही रहूंगी।